हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान अगर गर्भवती महिला को शिशु की हलचल महसूस ना हो तो निश्चित रूप से ये गर्भवती महिला के लिए चिंता का विषय होता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान अगर शिशु ज्यादा हलचल करे, ज्यादा मूवमेंट करे, ज्यादा किक करे तो क्या ये चिंता का विषय है या नहीं? और दोस्तों, शिशु के ज्यादा किक करने, ज्यादा हलचल करने के क्या क्या कारण होते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर मेरी इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्भ में जब शिशु हलचल करता है या फिर किक करता है तो ये एक संकेत होता है कि गर्भ में आपका शिशु बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन दोस्तों, कई बार ये भी देखा गया है कि गर्भ में शिशु कुछ ज्यादा ही हलचल करता है या फिर कुछ ज्यादा ही किक मारता है, तो ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि इनमें ये भी एक अच्छी बात है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका शिशु गर्भ में पूरी तरह से स्वस्थ है, बिल्कुल एक्टिव है और वो बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन दोस्तों, अगर शुरुआती 4 महीनों की बात करें तो वहां पर आपको शिशु की मूवमेंट महसूस नहीं होती है, क्योंकि उस दौरान आपका शिशु बहुत ही छोटा होता है और अगर वो मूवमेंट करता भी है तो आपको ये फील नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ कुछ गर्भवती महिलाओं को ये भी महसूस होता है कि अगर 4वें महीने में उनका शिशु पेट में थोड़ी बहुत हलचल करता है तो उन्हें ये एक गुड़गुड़ाहट की तरह महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, 5वें महीने के अंत तक गर्भवती महिलाओं को शिशु की हलचल महसूस होने लगती है और 6वें महीने में पहुंचते पहुंचते शिशु की जो हलचल है वो प्रॉपर महसूस होने लगती है। दोस्तों, अक्सर आपने गर्भवती महिलाओं से ये सुना होगा कि रात के टाइम पे उनका शिशु कुछ ज्यादा ही हलचल करता है, वो कुछ ज्यादा ही किक मारता है। वास्तव में दिन के समय जब आप काम कर रही होती हैं, आप बिजी होती हैं, तो उस दौरान आप अपने शिशु की हलचल महसूस नहीं कर पाती हैं, हालांकि वो उस दौरान भी हलचल कर रहा होता है। या फिर जब आप शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव रहती हैं तो उस दौरान आपका शिशु स्लीप मोड में चला जाता है। और रात के समय जब आप आराम कर रही होती हैं, कोई गतिविधि नहीं कर रही होती हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहती हैं, तो शिशु आसपास गतिविधि ना होने के कारण ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा हलचल करने लगता है और किक मारना शुरू कर देता है, जिस कारण आपको रात में शिशु की हलचल ज्यादा महसूस होती है। गर्भवती महिला जब अपने पेट पर हाथ फेरती है, अपने शिशु से बातें करती है, तो गर्भ में पड़ रहा शिशु इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है, जिसके कारण शिशु गर्भ में ज्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप अपने पेट पर हाथ फेर रही होती हैं तो इस दौरान शिशु को एक कपकपी का एहसास होने लगता है, जिसकी प्रतिक्रिया में वह तेजी से हलचल करना शुरू कर देता है। यदि गर्भवती महिला बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनती है या फिर किसी ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा शोर हो रहा हो, जिसकी आवाज सुनकर शिशु गर्भ में चौंक जाता है और वो ज्यादा मूवमेंट करने लगता है, क्योंकि दोस्तों, शिशु गर्भ में बाहर की आवाजों को सुन सकता है, जिसकी वजह से वो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। और ये भी देखा गया है कि जब गर्भवती महिलाएं ठंडा पानी पीती हैं या कोई ठंडी चीज खाती हैं या फिर मीठा खाती हैं, तो ऐसे में भी गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो ज्यादा हलचल करना शुरू कर देता है, ज्यादा किक मारना शुरू कर देता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं ने ये अक्सर देखा होगा कि जब वो सुबह के टाइम उठती हैं, उस दौरान शिशु गर्भ में हलचल नहीं कर रहा होता है या फिर बहुत कम हलचल कर रहा होता है, क्योंकि उस दौरान शिशु भूखा होता है, उसने रात भर से कुछ नहीं खाया होता है। इसलिए जब आप सुबह नाश्ता करती हैं तो उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद शिशु हलचल करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा हलचल करने लगता है। इसलिए दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना है कि आपका शिशु कम हलचल कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा ही हलचल कर रहा है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में ये देखा गया है कि किसी को हलचल कम महसूस होती है तो किसी को ये हलचल ज्यादा महसूस होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।